हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत ही खास दिन है। मैं जा रहा हूँ इंडियन टेली अवार्ड्स के लिए, विच इज हैपनिंग एट द ललित मुंबई, विच इज अ ब्यूटीफुल होटल नियर द एयरपोर्ट। अच्छा, मैं क्यों जा रहा हूँ इज बिकॉज आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर अ वेरी स्पेशल अवार्ड, एंड दिस अवार्ड इज कॉल्ड द मोस्ट फिट एक्टर। फिट एक्टर का अवार्ड मुझे शायद मिलेगा आज, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड। आई होप आई गेट इट बिकॉज आई माई सेल्फ यू नो हैव बीन अ आर्डेंट फिटनेस एंथुजियास्ट ऑल माई लाइफ, एंड मुझे ऐसा लगता है कि यार फिजिकल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक्चुअली में ये जो हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा था कि बॉडी इज योर टेम्पल, ये सच है। क्योंकि आप देखेंगे जितनी भी बीमारियां दुनिया में आज चल रही है ना, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इट कैन बी एनी प्रॉब्लम इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, वर्कआउट एंड फिटनेस, फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स, इट हेल्प्स गेट बेटर, इट हेल्प्स रिपेयर योर मसल्स, इट हेल्प्स रिपेयर एवरीथिंग। सो द पॉइंट इज, फिजिकल हेल्थ के अलावा एक और चीज है जिसपे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, और आज मैं चाहता हूं कि अगर मुझे ये अवार्ड मिला तो मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगा। आई विल स्पीक ऑन दिस इन माई इंटरव्यूज, और मैं बात ये करना चाहता हूं मेंटल हेल्थ की। हम इंडिया में और कई वेस्टर्न कंट्रीज में भी मेंटल हेल्थ एक टैबू है, मतलब कि ऐसी चीज जिसके बारे में लोग खुल के बात नहीं करना पसंद करते, क्योंकि उनको लगता है कि यार जज करेंगे। आज अगर मैं बोलूं किसी को जाके कि यार मैं थोड़ा डिप्रेशन फील कर रहा हूं, या मुझे ना सुबह उठ के तकलीफ होती है, एंग्जाइटी फील होती है, माने या ना माने, आप देखने वालों में से भी कितने लोगों को ये प्रॉब्लम रोज होती होगी, मुझे भी होती है। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, और ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका ईगो खराब हो जाएगा या आपकी इंसल्ट हो जाएगी ये बताने से किसी को। फैक्ट इज सिंपल, हमारे बॉडी का हर एक इमोशन, हम जो फील कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, सब ब्रेन में केमिकल्स है, यू अंडरस्टैंड। अगर ब्रेन में केमिकल्स जो हमारे बॉडी हमारी प्रोड्यूस करती है, अगर ठीक ठाक प्रोड्यूस नहीं करे फॉर एनी रीजन, इट कैन बी स्लीप, इट कैन बी डाइट, इट कैन बी स्ट्रेस, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ बॉडी क्लॉक इश्यूज, एनीथिंग, पॉइंट इज इट इज जस्ट अ सिंपल इशू। लाइक आपको वायरल हो जाता है, आपको कोविड हो सकता है, आपको फ्लू हो जाता है, आपको मलेरिया, डेंगू, कुछ भी हो सकता है, उस वक्त तो कोई जज नहीं करता ना भाई। क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि ये आपको लगता है कि एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम थी, बेचारे को लग गई, अब उसको दवाइयां देके ठीक करो, हॉस्पिटलाइज करो, ठीक करो, दवाइयां दो, काउंसलिंग करो, जो भी करना है। बॉस, मेंटल हेल्थ इज एग्जैक्टली लाइक दैट। किसी भी पल, किसी भी वक्त, किसी को भी, वो निशांत हो या मुकेश अंबानी जी हो या शाहरुख खान जी हो या अक्षय कुमार हो या नरेंद्र मोदी साहब हो, कोई भी हो, ये प्रॉब्लम कभी भी किसी को भी हो सकती है, एंड इट इज नॉट समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो बॉडी का एक फंक्शन है जो ठीक से काम नहीं कर रहा, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। सो आई रियली होप आई गेट दिस अवार्ड टुडे, एंड इन द मीनवाइल एंजॉय द व्लॉग, सी द फेस्टिविटीज, बहुत सारे एक्टर्स होंगे, बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे, पूरी कम्युनिटी होगी आज इंडियन टेली अवार्ड्स में, एंड इफ आई गेट द अवार्ड आई विल बी सो हैप्पी, एंड आई विल डेडिकेट इट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू। सो गाइज,
बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल का नॉमिनेशन चालू है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जौहरी आने दो, बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल यही है नीरज और तनी। आज मैंने ये सोचा था कि अगर मैं ये अवार्ड जीतता हूँ तो आई विल
pass on this message on the stage. We all have heard that our body is our temple, right? And physical fitness is very important. But even today, mental fitness is a taboo and people don't like to talk about it. But guys, I would like to just एक अर्जी है मेरी सबके लिए कि भाई जितनी आराम से हम लोग फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, उतनी इजीली आई होप वन डे इन आवर कंट्री वी कैन टॉक अबाउट मेंटल फिटनेस, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री वेयर वी आर वर्किंग. एवरी एक्टर, एवरीबॉडी इन दिस इंडस्ट्री गोस थ्रू अ टाइम ऑफ लल एंड सक्सेस. सो देयर आर लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज एंड लॉट ऑफ हैबिट्स दैट प्ले ऑन योर ब्रेन. सो गाइस, जस्ट टेक इट इजी, चिल आउट एंड टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ एज इजीली एज यू डू अबाउट फिजिकल हेल्थ. थैंक यू. Congratulations on winning that award and setting all of our fitness goals. All right, our next award is for Eddie. Time नहीं है. हाँ, चलो time नहीं है मेरे पास. जल्दी करो. उर्फी जावेद. मेरे को award मिल गया. मैं जा रहा हूँ अभी. उर्फी जावेद बंदा. अभी उर्फी जावेद मैं ही हूँ. स्वागत है आपका दिल्ली चक्कर पर 40,000 बार. 40,000 बार. तब तुम गिन रहे हो कि मैं गिन रहा हूँ? मैं. Tell me one thing. Why this safety pins? Are you inspired from Urfi Javed? That's not inspired from Urfi Javed. It's my own idea. Actually, मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ. Like, what should I wear? कुछ unique चाहता था मैं. मैंने जब stylist से बात की तो उन्होंने मुझे regular suits, designer suits वगैरह भेजे. But I said, यार कुछ अलग हटके होना चाहिए. एक idea आया मुझे. मैंने कहा यार ज़िंदगी में हर मोड पे आपको ज़िंदगी इतनी पिने चुपाती है. तो क्यों ना पिनों का ही कुछ किया जाए. पिनों से ही कुछ डिज़ाइन किया जाए. ओहो देखो हमारे जो होस्ट है शर्मा का ये बात सुन के लगता है उनको बहुत पिने चुप रही है नीचे. Talking about fitness award मिला है. Yes. तो क्या कुछ करते हो फिटनेस के? एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने आज स्टेज पे एक वादा पूरा किया खुद से कि जिस दिन मुझे फिटनेस का अवार्ड मिलेगा उस दिन मैं सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बल्कि मेंटल फिटनेस की बात करूँगा, जो कि फिजिकल फिटनेस जितनी ही बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड आई डिड दैट. आई एम वेरी हैप्पी. लास्टली मुझे लगा आप कोई फिटनेस टिप देना, अगर आपको कोई फिटनेस टिप देना होगा तो आपको फिटनेस टिप अगर देना होगा तो ये दूंगा मैं कि यार कोई भी फिजिकल एक्टिविटी लाइक करा. देखिए हमारा जो शरीर है बॉडी इज़ अ टेम्पल, हमने बचपन में सुना था ये सच है. हमारी बॉडी ही हमारा टेम्पल है और हम उसी में रहते हैं, उसी में जीते हैं. यू गाइस टेक केयर ऑफ इट, डू सम फिजिकल एक्टिविटी एंड जस्ट मेक श्योर दैट नेवर यू स्टॉप मूविंग. कीप मूविंग गाइस एंड लाइफ विल कीप मूविंग फॉर यू. Thank you. Guys, this was my vlog on the Indian Telly Awards and my first ever Indian Telly Award. And this award is very special because it's not for a character that I've played, it's actually for who I am and my passion for fitness. So guys, for more such videos, please like, share, subscribe and watch Nish Ki Zindagi, Meri Zindagi, Mera Sach. Love you all.